आज रात को मुझे भी एक ख्वाब आया, एक सपना आया, और उस सपने में वही लड़की जो दौड़ती हुई अपनी मम्मी और पापा के गले से लग के रोती हुई कहती है कि मौत। आपकी आंखों को हर जगह अपनी बेटी नजर आती है, पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ होंगे। कैसे भी हो वापस लाएगा वो। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वार्ड रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। देखा, आज मेरे सपने में भी वही लड़की दौड़ती हुई आई और अपने माँ बाप के गले लग के पता क्या कह रही थी, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों। वो लड़की रो रो के कह रही थी कि पापा, वो OBC बनकर आया था पापा, वो अपनी छाती 56 इंच की कपड़े फाड़ फाड़ कर दिखा रहा था, जिस पर बड़ा बड़ा OBC लिखा हुआ था। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जवाहर। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब, बड़ी छोटी सी बात करनी है। आज रात को मुझे भी एक ख्वाब आया, एक सपना आया, और उस सपने में वही लड़की जो दौड़ती हुई अपनी मम्मी और पापा के गले से लग के रोती हुई कहती है कि मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो आज मेरे सपने में भी वही लड़की दौड़ती हुई आई और अपने माँ बाप के गले लग के पता क्या कह रही थी, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों। वो लड़की रो रो के कह रही थी कि पापा, वो OBC बनकर आया था पापा, वो अपनी छाती 56 इंच की कपड़े फाड़ फाड़ कर दिखा रहा था, जिस पर बड़ा बड़ा OBC लिखा हुआ था पापा, और उसने पूरे देश के OBC की माँ बहन एक कर दी पापा, बर्बाद कर दिया OBC को पापा, उसने जाति आधारित जनगणना नहीं कराई पापा, उसने सभी वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं दी पापा, उसने शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि कोई OBC SC ST माइनॉरिटी पढ़ ही ना सके पापा, पापा उसने हेल्थ सर्विसेज, उसने स्वास्थ्य सेवाएं इतनी महंगी कर दी कि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले ही ना पाए पापा, उसने 96,000 स्कूल कॉरपोरेट सेक्टर को पूरे भारत में बेच दिए और 2.25 लाख मंदिर बनवा दिए पापा। अब OBC के बच्चे, SC ST माइनॉरिटी के बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगेंगे पापा। उसने बहुत बड़ा काम किया पापा OBC SC ST माइनॉरिटी के लिए, इस देश के 94-95% पॉपुलेशन की बर्बादी करके बहुत बड़ा काम कर दिया पापा। उसने J&K में एक और बड़ा अच्छा काम किया पापा, उसने परमानेंट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का एक चेयरमैन ब्राह्मण रिटायर्ड जस्टिस GD शर्मा बनाया और उसके साथ बानी मेंबर रखे पापा, एक अदना सा घटिया सा शेड्यूल कास्ट मेंबर भी उसमें डाल दिया दिखाने मात्र के लिए, जिसकी कोई औकात ही नहीं थी पापा। और उस कमीशन ने एक बहुत बड़ा काम किया पापा, J&K में बहुत बड़ा काम किया, उसने OBC की लिस्ट में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को भी ऐड कर दिया पापा। RSS हेडक्वार्टर से जो लिस्ट बन के आई थी नागपुर से, वह उसने J&K की OBC में घुसेड़ दी पापा, और वही लिस्ट जो RSS की नागपुर से बन के आई थी, ST के पैरेलल एक और ST खड़ा करके उसमें डाल दिया पापा। और जिनकी जनसंख्या पूरे भारत में 3-4-5% से ज़्यादा नहीं है, J&K में भी 5% से ज़्यादा नहीं है, जिनका पहले ही शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, देश के साधनों संसाधनों पर 80-90 और मीडिया में तो 99% कब्जा है, उनको EWS का 10% और देने के बाद जो बचा हुआ 10% सा बाबा, जो पापा SC ST OBC माइनॉरिटी को मिलता था पापा, वो भी उसने J&K की OBC की लिस्ट में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऐड करके एक नया ST का पहाड़ी एथनिक ग्रुप बना के उसने वो भी सारा छीन लिया पापा, और सारे का सारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की झोली में डाल दिया पापा। उसने मोहन भागवत का संकल्प कि इस देश में आरक्षण का वो हश्र कर दूंगा कि आरक्षण मिलने वाले लोग ही आरक्षण के विरोधी हो जाएंगे, वो सपना उसने मोहन भागवत का पूरा कर दिया पापा। पापा उसने OBC को बर्बाद कर दिया, उसने SC को बर्बाद कर दिया, उसने ST को बर्बाद कर दिया पापा, उसने माइनॉरिटी को बर्बाद कर दिया पापा। लेकिन पापा एक बात तुम याद रखना, ये SC ST OBC माइनॉरिटी फिर भी उसी RSS के तलवे चाटेंगे, उसी भाजपा के तलवे चाटेंगे, ये चाटुकार वहीं मरेंगे, फिर से उनको वोट देंगे, फिर से उनको सत्ता में लाएंगे पापा। देखना, पूरे देश का
SC ST OBC माइनॉरिटी उसने बर्बाद कर दिया पापा, फिर भी ये SC ST OBC माइनॉरिटी ऐसे बेवकूफ़ हैं पापा, ऐसे पिछलगू हैं पापा कि ये उसी को चाटेंगे, उसी के चरण चाटेंगे, उसी को वोट देंगे, फिर से उसी को सत्ता में लाएंगे पापा। और J&K में आज के बाद OBC की जितनी नौकरियां, प्रोफेशनल कॉलेज में जितनी सीटें निकलेंगी या ST की निकलेंगी, वो सारी की सारी अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश को मिल जाएंगी पापा, और OBC SC ST माइनॉरिटी हाथ मसलता रह जाएगा पापा। देखना पापा क्या क्या किया उसने पापा, कितने बढ़िया हैं वो पापा। वो मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, भारत पाकिस्तान की राजनीति करते हैं, पूरे देश को सांप्रदायिक दंगों में बर्बाद करते हैं, मगर किसी को समझ में नहीं आती पापा। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता ठीक है, हमारी पत्रकारिता आपको दिखा रही है जो आप देखना चाहते हैं, तो हमारी आर्थिक सहायता करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ बना रहे।